नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। साउथ कोरिया की सेना ने ये जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि देश के पश्चिमी तट के पास दक्षिण होवांगे प्रांत से सुबह करीब 7:40 पर मिसाइलें दागी गयी। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इस समय साउथ कोरियाई सेना हाई अलर्ट पर थी। वहीं जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान मिसाइल पर जानकारी जुटा रहा है। उन्होंने देश में किसी भी क्षति की पुष्टि नहीं की है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक पनडुब्बी से 2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किए जाने के 2 दिन बाद ये मिसाइल टेस्ट हुआ है। इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया कई बार इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। फरवरी के महीने में भी कई बार नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और कहा है कि अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखेगा। साउथ कोरियाई और अमेरिकी सेना ने सोमवार को 11 दिनों का संयुक्त अभ्यास शुरू किया, जिसे फ्रीडम शील्ड 23 कहा गया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 1 साल में रिकॉर्ड संख्या में मिसाइल परीक्षण और अभ्यास किए हैं, जिसके बारे में वो कहता है कि ये अपने परमाणु निवारक को बढ़ावा देने और अधिक हथियारों को जुटाने की कोशिश कर रहा है।